हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना, ग्रेजुएशन के बाद में या तो जो है मे बी कई बार जो है ट्वेल्थ के बाद में या तो ग्रेजुएशन के अंदर आप इंटरव्यूज़ के लिए, मतलब ग्रेजुएशन या तो क्या बोलते कॉलेज के अंदर आप कहीं पे जा रहे हो या तो आपका आपको अपना पोर्टफोलियो मेंटेन करने के लिए या तो अलग अलग रीज़न के कारण जो है फोल्डर फाइल की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है दोस्तों। तो यहाँ पे आज हमारे पास जो है 10 बहुत ही ज़बरदस्त जो है ऑफिस केयर की जो है का फाइल एंड फोल्डर है यहाँ पे अवेलेबल, और 30 फोल्डर वाली यहाँ पे हमारे पास फाइल है। तो दोस्तों ये ब्लैक एंड जो है ब्राउन का एक कॉम्बिनेशन जो है बना के एक बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन जो इन लोगों ने बनाया है, और उसके अंदर जो है एक और कलर कॉम्बिनेशन मिल जाता है ब्लू एंड ब्लैक। उसके बाद जो है दोस्तों मिल जाता है एक और, ये थोड़ा सा लाइट ब्राउन है दोस्तों एंड ब्लैक है, और उसके बाद मिल जाता है ग्रे एंड ब्लैक। ओह माय गॉड, दिस इज़ अमेजिंग। तो दोस्तों एक की कीमत जो है 350 रुपीज़ है दोस्तों। तो ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, लोकल मार्केट में भी मिल जाएगा। तो इसकी जो है बेस्ट बाय लिंक जो है मैं दोस्तों डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो यहाँ पे आप अपना नाम, सब्जेक्ट वगैरह, अगर आप कुछ एड्रेस वगैरह डालना है तो डाल सकते हैं। इंटरव्यूज़ के लिए अगर आप इसको लेके जाएंगे ना तो एक अलग ही जो है इसका आपका रुतबा पड़ेगा। जनरली मैं तो जो है सस्ता वाला लेके जाता था, बट उससे जो है ना एक इंप्रेशन नहीं पड़ता। स्पेशली आप कोई मार्केटिंग या तो MBA के बाद की जॉब के लिए जाते हो तो एकदम लग्जरी या तो मल्टी लेवल मार्केटिंग कर रहे हो, कुछ भी ऐसा कुछ आपको जो है पोर्टफोलियो फाइल जितनी आपकी खूबसूरत बाहर से होगी और अंदर से भी होगी तो उतना ही इंप्रेशन जो है सामने वाले पे बहुत ही ज़बरदस्त पड़ता है। तो 30 फोल्डर है। तो अगर फोल्डर की यहाँ पे जो है साइज़ की बात करें तो ये FS क्या बोलते हैं साइज़ की है, मतलब लीगल साइज़ इसको बोलते हैं। तो ये जो है A4 से बड़ा होता है। तो आपके जो है अलग अलग सर्टिफिकेट्स जो कि A4 से कुछ आड़े तेरे मोटे होते हैं, नॉर्मल जो फाइल साइज़ होती है उससे थोड़े से पेज साइज से बड़े होते हैं, तो इसमें आपके जो भी सर्टिफिकेट्स हैं वो आराम से आ जाएंगे, भले ही आपने लेमिनेशन वगैरह करा हो। तो काफ़ी मजबूत और काफ़ी जो है टिकाऊ यहाँ पे लग रहे हैं। और ये जो है स्टिकी, जो हमारे पहले के समय में जो फोल्डर फाइल्स के जो आते थे पेजेस ये प्लास्टिक के, वो थोड़े से स्टिकी वगैरह रहते थे, जबकि यहाँ पे जो है ये वो स्टिकीनेस आपको देखने को नहीं मिलेगी। और यहाँ पे एक्स्ट्रा जो है इन्होंने इस तरीके का यहाँ पे दिया हुआ है जिससे कि ये जो है आसानी से यहाँ पे बैठा रहे, कितना भी वजन हो इसको झेल सकता है। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको मिल जाता है कि आपको कुछ अलग एक्स्ट्रा पंचिंग करे हुए पेजेस यहाँ पे लगाने हो प्रोजेक्ट्स के, तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको डायरी वगैरह कुछ रखना हो, नोटपैड्स रखने हो, तो इसके लिए भी यहाँ पे स्पेस है दोस्तों। उसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पे आपको मिल जाता है बहुत सारी जगह, और यहाँ पे भी आपको जो है अलग अलग नोटपैड्स रखने की जगह मिल जाएगी। यहाँ पे साइड में जो है आप पेन वगैरह भी लगा सकते हैं। तो ये जो है कंप्लीट एक सॉल्यूशन है दोस्तों। इसके इसको लेके जो है आप अलग अलग जगह पे कुछ डेमोस्ट्रेशन करना हो, आपके प्रोडक्ट्स के सैंपल्स आपको, मतलब उसके पिक्चर्स दिखाने हो, तो सब चीज़ों के लिए जो है यूज़फुल है। ऑर्डर अगर आपको लेना है तो यहाँ से पेन निकाल के, यहाँ पे नोट पेड निकाल के फट करके जो है आप ऑर्डर वगैरह लिख सकते हैं, है ना। कुछ भी आपको नोट डाउन करना हो, यहाँ पे आपके कार्ड्स वगैरह रखने हो कस्टमर को देने के लिए, तो उसके लिए भी ये काफ़ी यूज़फुल है। तो दोस्तों ऑल इन ऑल जो है बहुत ही हैवी ड्यूटी जो है मटेरियल और बहुत ही सेक्सी लुक वाला जो है ये फोल्डर फाइल है। तो दोस्तों सिंपल सा वीडियो है, मे बी आपको यूज़फुल लगा होगा। तो हमने जो है बहुत सारे इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन करने वाली फाइल्स है, हारमोनियम फाइल्स है, फोल्डर फाइल्स है, उसके वीडियोज़ दोस्तों बनाए हैं। रिंग फाइल्स आती है तो उसकी वीडियो प्लेलिस्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी, तो उसको भी आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।